बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस भीमनगर में पहुंचे विभागीय ट्रेनिंग आईजी राजेश कुमार परेड ग्राउंड में प्रशिक्षुओं से जानी समस्या। आपको बता दें, भीमनगर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 12वीं बटालियन में रविवार को फूड प्वाइजनिंग के मामले के बाद 935 प्रशिक्षुओं ने एक साथ सोमवार को भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल को डीआईजी सफीउल हक ने आश्वासन देकर समाप्त करवाया था। वहीं मंगलवार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के ट्रेनिंग आईजी राजेश कुमार पहले आईबी पहुंचे, जहां जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद वे भीमनगर स्थित बटालियन मुख्यालय पहुंचे और प्रशिक्षुओं से संवाद किया, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों का काफिला बीरपुर आईबी के लिए रवाना हो गया। जवानों के साथ लगभग 2 घंटे तक वार्ता करने के बाद बीरपुर अतिथिशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सहरसा कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार ने बताया कि जो भी घटना हुई है उसके निष्पादन के लिए आज पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रशिक्षु जवानों की समस्या को सुना गया। छोटी छोटी समस्या थी जिसका निष्पादन कर दिया गया है। प्रशिक्षु जवानों ने कई प्रकार की समस्या रखी, जिसको बारी बारी से उनके समक्ष ही समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि आज मामले को लेकर भीमनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें घटना स्थल से तेल का नमूना, प्रशिक्षुओं के द्वारा की गई उल्टी और तथाकथित संदिग्ध पदार्थ को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। परसों शाम में फूड पॉइजनिंग का एक मैटर आया था 20-12 के एमएस से, और कुछ लोग सिपाही शिकायत किए थे कि खाने के बाद उल्टी हो रही है उन लोगों को और चक्कर आ रहा है, इस टाइप का टेंडेंसी था। घटना की सूचना मिलने पर त्वरित गति से सबको अस्पताल भर्ती किया गया अनुमंडल अस्पताल में, और वहां पर 8 सिपाही भर्ती हुए, उनका इलाज किया गया। और जानकारी प्राप्त होने पर सदर अनुमंडल से और मुख्यालय से और डॉक्टर भेजे गए, एम्बुलेंस भेजा गया, और जो भी सुविधा मुहैया कराना गया था सब कुछ सुविधा यहां पर मुहैया कराया गया। वरीय पदाधिकारी से लगातार हम लोग संपर्क में थे और डीआईजी सहरसा सर के मार्गदर्शन में भी हम लोगों ने यहां पर जो भी फैसिलिटी करना था उसको कराया है। इसके अलावा आज के तारीख में यहां पर वरीय पदाधिकारी भी आए, आईजी ट्रेनिंग सर आए, डीआईजी सहरसा सर आए हैं और डीआईजी बिसाब सराय हुए हैं, और पुलिस सभा की गई, आयोजन किया गया बिसाब 12 के प्रांगण में, और वहां पर जो भी समस्याओं था उनको जो सिपाही जो ट्रेनी है उसको नोट किया गया और सभी शिकायतों पर उसका समाधान किया जाएगा और घटना के संबंध में कांड भी दर्ज किया गया है जो जिसका अनुसंधान किया जाएगा। अभी स्थिति सामान्य है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो पैनिक में थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्शन हो गया सर, ओवर रिएक्शन हो गया, तो जो भी घटना घटी है वो अब शांत है। अब किसी तरह किसी सिपाही को किसी तरह की कोई स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं है और स्थिति सामान्य है।